विधाता, अब तो मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि ये पिछड़ा हुआ परिवार फिर से मिल जाए।
पतिव्रता का है निभाई पथरी कारण ही राजा राम ने अपनी पत्नी देवी सीता का परित्याग कर दिया। ये वही देवी सीता हैं जो वनवास के समय ये वैभव ये सुख दुख का आनंद छोड़कर राजा राम के साथ वन को चली गई। प्रत्येक सुख दुख में राजा राम का साथ देने के लिए इन्होंने सदैव संपूर्ण अयोध्या का परित्याग कर दिया। माता गौरी, आज मेरे दोनों पुत्र अपने पिता रघुनंदन से मिलने गए हैं। पिता पुत्र का मिलन शुभ हो माता। अपने पुत्रों से कहीं उनके पिता आहत ना हो, सब कुछ शुभ हो माता। प्रेम सुधा
ऋषि कुमारो, मैं अयोध्या के राजभवन से आया हूँ। आप दोनों को माता कौशल्या ने राजभवन में ससमान आमंत्रित किया है। आइए। मेरे विधाता, मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने बिना सोचे समझे माता सीता के चरित्र पर इतना बड़ा लांछन लगा दिया। माता सीता जिनका चरित्र भूमि की तरह पूजनीय है, अनुकरणीय है, दिशाओं के समान मंगलदायी है, गंगा की तरह पवित्र है, उस सीता माता पर मैंने इतना बड़ा लांछन लगा दिया। हे माता गौरी, पता नहीं पिता पुत्र का मिलन हुआ या नहीं, उनकी रक्षा करना माता। उत्तर लज्जा हीन चला दशकंधर, निशाचरी सब लगी डराने, परंतु सीता हार न माने। पहुंची कपिलंका तभी सिया का पता जड़ंग सीता सती सम्मुख राम के
शीत मिले राम सिया लक्ष्मण। अब हम माता सीता के भी दर्शन करना चाहते हैं। से मिलना चाहते हैं, क्या वो यहाँ उपस्थित है? बताइए ना, कहाँ है माता सीता? सीता से मिलना चाहते हैं, क्या वो यहाँ उपस्थित है? परित्याग कर दिया अपनी धर्म पत्नी का, अपनी महारानी का, क्या उत्तर दूं बालकों को?